वेलकम टू माय चैनल कुक विद तब्बू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेथी चमन की रेसिपी। ये कश्मीरी कुजीन की काफ़ी पॉपुलर डिश है जो मेथी, पालक और पनीर से बनाई जाती है, जो कि टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी होती है। इस मेथी चमन को आप नान, रोटी या फिर पराठे वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक हांडी में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसमें पालक और मेथी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 100 ग्राम पालक और इक्वल क्वांटिटी में यानी 100 ग्राम मेथी के पत्ते यूज़ कर रही हूँ। मेथी और पालक को मैंने अच्छे से क्लीन करके वॉश कर लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम ब्लांच कर लेंगे, यानी इसको हम थोड़ी देर तक पानी में उबाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 5 मिनट तक इसको उबाल लें। यहाँ पर मैंने ठंडे पानी का बोल तैयार रख लिया है। चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर लेने के बाद इस पालक और मेथी को गर्म पानी से निकालकर हम ठंडे पानी वाली बोल में डाल देंगे। डायरेक्टली ठंडे पानी में इनको डालने से इन सब्जियों का जो हरा रंग है वो बरकरार रहता है। 4 से 5 मिनट इसको ठंडे पानी में रहने दें। फिर इस मेथी और पालक को एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लें। आधा कप जितना पानी ऐड कर दें इसमें और इसे पीस कर इसके एक फाइन प्यूरी बनाकर रख लें। इस मेथी और पालक की प्यूरी को साइड में रख लेते हैं और ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल दें। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दें। 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज भी डाल देंगे और चम्मच चलाते हुए इस प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक सौते कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर अब चेंज हो चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दें और इसको 1 मिनट तक भून लें ताकि इसमें जो भी कच्चापन है वो दूर हो जाए। अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद हम इसमें 2 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट के बजाय आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डाल दें इसमें और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को पीस कर मैंने इसकी प्यूरी तैयार कर ली है। इस प्यूरी को हम मसाले में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर इसमें नमक भी ऐड कर दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे मीडियम हीट पर ढककर हम कुछ देर तक पका लेंगे, जब तक कि मसाले पूरी तरह से पक ना जाएं और इसमें से तेल ऊज आउट होने ना लगे। अभी आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और इसमें से तेल भी ऊज आउट हो रहा है। इसमें तैयार की हुई मेथी और पालक की प्यूरी ऐड कर दें। मिक्स कर दें इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से और अब हमें इसे दोबारा से ढककर कुछ देर तक पका लेंगे, जब तक कि पालक और मेथी अच्छी तरह से पक ना जाएं और दोबारा से इसमें तेल ऊज आउट ना होने लगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और ये मसाले सारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को भी मिक्स कर लें मेथी और पालक के साथ और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कर दें। फ्रेश क्रीम के बजाय आप घर पे बनी मलाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक इसको मीडियम हीट पर पका लेंगे हम और इस स्टेज पर आप इसमें नमक भी टेस्ट कर सकते हैं और अगर कम लगे तो थोड़ा सा ऐड कर लें। आखिर में इसमें थोड़ा सा देसी घी और मैं एक बटर का क्यूब भी ऐड कर रही हूँ। इससे मेथी चमन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी भी ऐड की थी मैंने इसमें, पर उस क्लिप को मैं कैप्चर नहीं कर पाई। ये मज़ेदार मेथी चमन अब बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान, रोटी या फिर ब्रेड और पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू।